आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है थॉट वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड, जिसे विलियम वॉकर ने लिखा है। विलियम वॉकर एक अमेरिकन मर्चेंट, पब्लिशर और राइटर थे। वो न्यू थॉट मूवमेंट के शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे। ये किताब 1908 में पहली बार पब्लिश की गई और आज तक ये बुक प्रिंट में है और सेल हो रही है। अगर आप विलियम को नहीं जानते हैं तो आपके पास ये वीडियो को देखने का और भी बड़ा कारण है। ये वो किताब है जिसमें से रोंडा बाइन की किताब द सीक्रेट और सभी जुड़ी हुई किताबें निकली हैं। पहले के लोग कहते थे, इच्छा सोच समझ कर करो क्योंकि हो सकता है वो आपको मिल जाए। पर क्या होगा अगर यही नियम सारे जाने अनजाने यूनिवर्स को चलाए? विलियम का दावा है कि 1906 की क्लासिक थॉट वाइब्रेशन में ऐसा ही है। थॉट वाइब्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है? हमारा माइंड एक दिन में कई हजार थॉट्स क्रिएट करता है, यानी कि सोच क्रिएट करता है। वही सोच करोड़ों एनर्जी क्रिएट करती है और वही एनर्जी वाइब्रेशन में बदल जाती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। ये वाइब्रेशन और एनर्जी हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट करती हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान को जानते हैं तो उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, जिससे उसके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनता है जो सबको फील भी होता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप का भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। 1901 तक विलियम ने एक भी किताब नहीं छापी थी और अगले 3 दशकों में उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा किताबें लिखी और छापी। थॉट वाइब्रेशन सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है जो इस सब्जेक्ट की पहली किताबों में नहीं था या मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताबों ने कॉपी ना किया हो, पर ये वो सब इतने दमदार और सुंदर सेंटेंसेस में कहती है कि ऐसा लगता है कि यही वो किताब है जिससे ये सब शुरू हुआ। तो चलिए फिर विलियम के नजरिए को डिटेल में समझते हैं। विलियम्स वर्किंग क्रीड। जब विलियम न्यू थॉट के एडिटर बने, उन्होंने अपने यादगार आर्टिकल वर्किंग क्रीड से रीडर में अपना नाम बनाया। इसकी ताकत और औहदा इतना बड़ा है कि इस आर्टिकल को अक्सर थॉट वाइब्रेशन और उनकी बाकी सभी किताबों में इंट्रोडक्शन के तौर पर शामिल किया जाता है। ये कुछ ऐसे शुरू होता है। ये मानते हैं कि इंसान का दिमाग सभी ताकतों में सबसे महान है। ख्याल एनर्जी बनाने वालों में सबसे बड़ी चीज है। एक इंसान ख्याल के दम को समझता है, वो खुद में से जो चाहता है बना सकता है। सिर्फ शरीर ही दिमाग से काबू नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स की जगह लेकर कोई एनवायरनमेंट, किस्मत, हालात भी बदल सकते हैं। जो इंसान ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, उस इंसान को मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा वाला एटीट्यूड सफलता की तरफ एक कदम आगे ले जा सकता है। ख्याल ही असलियत बनते हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और थॉट वाली दुनिया किसी को भी वो देगी जो वो चाहता है या जिससे डरता है। विलियम बताते हैं कि हर चीज में असीम ताकत है। आज हमारे पास उस ताकत का बहुत धुंधला आइडिया है, फिर भी हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जल्द ही उसे छू लेंगे। What are thought vibrations? Thought vibration क्या है? ये ज्यादातर विलियम के वर्किंग क्रीड में लिखा हुआ है। हालांकि वो जानते हैं कि शब्दों से कैसे इस मान्यता को घुमाना है जिसे कुछ डरावने दावों से जोड़ा गया है। ऑथर का मानना है कि दुनिया एक महान नियम से चलती है जिसके कुछ रूप ही हम जानते हैं। इस नियम को शब्दों में समझना मुश्किल है, पर हम इसके आकर्षक भाव से इसके अंदरूनी काम की झलक देख सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उनमें से एक है और दूसरी तरफ वो है जो थॉट वर्ल्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है। हम इस कमाल के नियम को जानते हैं जो एटम्स को आपस में बांधे रखते हैं, जिससे मैटर बनता है। हम उस नियम की ताकत समझते हैं जो चीज को धरती की तरफ आकर्षित करता है और जो घूमती हुई दुनिया को उनकी जगह पर रखता है। पर हम उस महान नियम के आगे आंखें बंद कर लेते हैं जो हमें उन चीजों तक ले जाता है जो हम चाहते हैं या जिनसे हम डरते हैं, जो हमारी जिंदगी बनाता या बिगाड़ता है। ख्याल एक फोर्स है, एनर्जी से बनी एक चीज, एक वाइब्रेशन, टाइम और स्पेस के साथ भेजी हुई और उतने ही सच है जैसे ना छू सकने वाली गर्मी, रोशनी, बिजली और चुंबक की वाइब्रेशन। फर्क सिर्फ इन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज का है। जैसे कि लाइट और हीट थॉट की बहुत कम इंटेंसिटी की वाइब्रेशन से बनती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के आविष्कार से पहले हम ज्यादातर वाइब्रेशंस को देख, सुन, सूंघ, महसूस या टेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से आकर्षित होते हुए ऑब्जर्व कर पाते थे। हालांकि इन दिनों हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम उन वाइब्रेशंस को नाप सकते हैं जिनमें हमारी रुचि है और उससे भी ज्यादा हम उनके बर्ताव को पता और इस्तेमाल कर सकते हैं। थॉट वाइब्रेशंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। दुर्भाग्य से यहाँ ये फर्क है कि अभी इंसानी दिमाग ही अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थॉट वेव्स को पैदा और रिकॉर्ड कर सकता है।
विलियम ने कहा था कि उनको लगता है इंसानियत ऐसी चीज को बनाने की कगार पर है जो थॉट वाइब्रेशन को पकड़ और रिकॉर्ड कर सके। पर एक शताब्दी बीत गई जब उन्होंने ये दावा किया था, और जहां तक हम जानते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आज तक आविष्कार नहीं हुआ है। हाउ डज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन द थॉट वर्ल्ड? हमारा दिमाग लगातार थॉट वाइब्रेशन भेजता है और लेता है। एक मैग्नेट के अपोजिट हमारा दिमाग सिर्फ वैसे ख्याल वापस लेता है जैसे वो भेजता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप प्यार के थॉट वाइब्रेशन भेजते हैं तो आपको दूसरों से प्यार के ही वाइब्रेशन वापस मिलेंगे, जो आपको प्यार के सफर पर ले जाएगा, और आप खुद को ऐसे माहौल और हालातों में पाएंगे जो बिल्कुल आपके ख्याल जैसा होगा, और उन लोगों के बीच जो आपको वापस प्यार देंगे। दूसरी तरफ गुस्से, नफरत, जलन के ख्याल हमें दूसरे लोगों के ऐसे ही ख्यालों तक ले जाते हैं। ऐसे हालात बनते हैं जहां हमें ऐसे ख्यालों के बदले ऐसे ही ख्यालों का सामना करना पड़ेगा। विलियम लिखते हैं, थॉट वर्ल्ड में लाइक ही लाइक को अट्रैक्ट करता है। जैसे आप बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो तो आप मार्कोनी के वायरलेस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि रेडियो। जब थॉट वाइब्रेशन पब्लिश हुई थी ये कुछ नया सा था, पर आजकल ये इतना पुराना और बीते जमाने का है कि हमें ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि रेडियो कैसे काम करता है। सीधे तौर पर एक रेडियो ट्रांसमीटर आसपास के हजारों वाइब्रेशन में से सिर्फ वो वाइब्रेशन रिसीव करता है जो सेम की पर ऑटो ट्यून्ड होते हैं। यही नियम थॉट्स के काम करने पर भी लागू होता है। हम सिर्फ वो रिसीव करते हैं जो हमारी मेंटल अट्यूनमेंट में होते हैं। अपनी अट्यूनमेंट को बदलने के लिए खुद पर जोर डालें, और रेडियो की तरह आपको दूसरे तरह की वाइब्रेशन रिसीव करने शुरू करने चाहिए। इसी वजह से नेगेटिव लोगों को दुनिया में सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखती हैं और पॉजिटिव लोग सिर्फ अच्छा देख पाते हैं। द सीक्रेट ऑफ द माइंड। इंसान के पास एक दिमाग है, पर उसके पास बहुत सी मेंटल फैकल्टीज हैं, और हर कोई मेंटल एफर्ट की दो अलग लाइंस पर काम करने लायक है। इन दोनों फंक्शंस को अलग करने की कोई अलग लाइन नहीं है, पर ये एक दूसरे में ऐसे मिल जाती हैं जैसे स्पेक्ट्रम के रंग मिल जाते हैं। एक्टिव एफर्ट हमेशा फ्रेश और नया होता है, ये चीजें बनाता है। पैसिव एफर्ट एक्टिव एफर्ट का रिजल्ट होता है, और ये कुछ नहीं करता सिवाय ऑर्डर और सजेशन मानने के। एक्टिव फंक्शन वाइब्रेशन भेज सकता है और पैसिव उन्हें रिसीव कर सकता है, और यही फंक्शन आपको आगे बढ़ाना है। अगर आप अपने ख्यालों की ताकत को पाना चाहते हैं और किसी के ख्यालों का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो द सीक्रेट ऑफ द विल। जब आप लो फील कर रहे हो तो अपने दिमाग को एक ऊंचे लेवल पर फिक्स करने की कोशिश करें और उससे प्रेरणा लें। यहाँ एक तकनीक है जो आपकी मदद कर सकती है। जब आप बेचैनी महसूस करें और गुस्से में फटना चाहें तो मैं को आगे रखें। याद रहे कि आप क्या हैं और अपनी भावनाओं के ऊपर उठें। जब आप डर का सामना करें तो याद रखें कि रियल सेल्फ किसी से नहीं डरता है और साहस देता है। उसी तरह जब आप जलन महसूस करें तो अपने हायर नेचर के बारे में सोचें और उसे हंसी में साइड कर दें। ये सभी भावनाएं आपके लायक नहीं हैं और इन्हें अपनी जगह पर रहना चाहिए। इन चीजों को खुद पर काबू ना पाने दें। ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ना कि मास्टर। आपको इनसे दूर रहना चाहिए, और ऐसा करने का एक ही तरीका है कि इन ख्यालों से खुद को काट लेना जो चीजों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। आपको शुरू में दिक्कत हो सकती है, पर इस पर डटे रहें और आपको वो संतुष्टि मिलेगी जो सिर्फ अपने नेचर के निचले हिस्से को जीतकर ही हासिल की जा सकती है। आप बहुत लंबे वक्त तक गुलाम बनकर रह चुके हैं, पर वक्त है खुद को आजाद करने का। पर इसमें मेहनत लगेगी, और ये बच्चों का खेल नहीं है, पर इसे समझदारी से किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपको क्या सिखाते हैं, पर आपका दिमाग आपकी इच्छा से ही जुड़ा हुआ है। एक इंसान की ऐसी ताकत आती है जागरूकता से कि मैं दिमाग का मालिक है, और जो भी बुरा है वो सब दिमाग की गड़बड़ का नतीजा है। अपनी इच्छा शक्ति को काबू करो और आप अपनी पोटेंशियल की पावर को काबू कर पाएंगे। एक अच्छी एक्सरसाइज है, आप रोज एक बिना मर्जी का काम करें, हर रोज एक महीने तक। कोई भी अच्छी चीज खुशी से कर सकते हैं, पर खुशी ना देने वाली चीजों को करने के लिए इच्छा शक्ति लगती है, और ऐसा काम आपको करना ही चाहिए। इससे आप में कीमती डिसिप्लिन आएगा। एक महीने के लिए ट्राई करें और आप जानेंगे कि ये कहां से आती है। अगर आप ये ना कर पाए तो थॉट वाइब्रेशन आपके लिए नहीं है। ना आपके पास इच्छा शक्ति है, ना ही आप चाहते हैं, और आप जहां हैं वही रहने और कमजोर बने रहने में संतुष्ट हैं। थॉट वाइब्रेशन उतना ही असली है जितना हीट और लाइट वाइब्रेशन। हमेशा से एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करती है, पर ये समझने में लोगों को सालों लग गए। कैसे? क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन नहीं देख सकते थे जिनसे अट्रैक्शन होता है। यही थॉट वाइब्रेशन पर भी लागू होता है। ये एग्जिस्ट करते हैं, काम भी करते हैं, हालांकि इनको प्रोड्यूस और रिसीव करने वाला ऑर्गन सिर्फ दिमाग ही है। जैसे एक पत्थर पानी में फेंकने पर होता है, ख्याल भी लहरें बनाता है जो ख्यालों के सागर में दूर तक जाती है। बस फर्क यह है कि पानी की तरंगे सीधे तल पर हर दिशा में चलती हैं, जबकि ख्यालों की तरंगे एक कॉमन सेंटर से सारी दिशाओं में चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की किरणें करती हैं।
दिमाग का एक्टिव पार्ट थॉट वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है और पैसिव पार्ट रिसीव करता है। हालांकि हमारे पास एक ही दिमाग है, ये मानसिक शक्ति के दो अलग लेवल पर काम कर सकता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पार्ट थॉट वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है जो इतना ताकतवर है कि पानी में पत्थर फेंक सके। दूसरे हाथ पर पैसिव पार्ट लगातार दूसरी थॉट वाइब्रेशन को रिसीव करता है। उनमें से कुछ सेम दिमाग के एक्टिव पार्ट से आ रही होती हैं, जबकि बाकी दूसरे लोगों और यहाँ तक कि पूर्वजों से आती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट। ये समझना जरूरी है कि दिमाग का पैसिव पार्ट काफी कुछ रेडियो रिसीवर की तरह काम करता है। ये हवा में मौजूद सभी थॉट वाइब्रेशन को रिसीव नहीं करता, बल्कि सिर्फ उनको जो उसकी फ्रीक्वेंसी पर ऑटो ट्यून हो। आप अपने दिमाग को ऑटो ट्यून कर सकते हैं सिर्फ किसी खास तरह के थॉट वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए, और ऐसा करने का बेस्ट तरीका है वैसे ही मनचाहे वाइब्रेशन के थॉट को प्रोड्यूस करना। सीधे शब्दों में, अगर आप प्यार देंगे तो प्यार पाएंगे, और अगर आप नफरत देंगे तो वापसी में नफरत ही मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप थॉट वाइब्रेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे और अपनी लाइफ में इसके इस्तेमाल के लिए रेडी होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें, और अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।